नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अनुच्छेद करेंगे, कैशलेस इंडिया, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की और 500 व 1000 के नोट बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री का यह निर्णय वस्तुतः भारत को नकदी रहित भारत या कैशलेस इंडिया बनाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। नकदी रहित भारत एक मिशन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता नकदी पर कम हो, जिससे बड़ी मात्रा में देश के छुपे काले धन को बैंकिंग प्रणाली में वापस लाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत देश के भ्रष्ट राजनेताओं एवं व्यापारियों को छोड़कर लगभग सभी लोगों ने किया। यद्यपि इस निर्णय के कारण आम लोगों को 3-4 महीनों तक कष्ट झेलना पड़ा, तथापि लोगों ने इस निर्णय का दिल खोलकर समर्थन किया। यह एक ऐसा निर्णय है जो आगे चलकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विमुद्रीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अंततः लाभकारी सिद्ध होगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में भी अच्छी प्रगति होने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।